ओडिशा गस्त में सेंट्रल वर्कअप कमिशन दिल्ली तीन जनी सदस्य तीन दिन ओडिशा गस्त करते गस्त समय से ओडिशा वर्कअप बोर्ड सहित ओडिशार विभिन्न मस्जिद मद्रासा सेंट्रल वर्कअप अधीन चली विभिन्न प्रकल्प सहित विभिन्न स्थान बुले देखते एथस कटक रेवेन्सा विश्वविद्यालय कदम रसूल तथा देवान बजार सबुठ पुरतन मस्जिद और हाउसींग कम्प्लेक्स तथा दरगाह तथा सैयद सेमिनार स्कूल बुले देखते ओडिशार अन्य स्थान मानक सेंट्रल वर्कअप द्वारा होता विभिन्न प्रकल्प समीक्षा करते ये तीन जनिया सदस्य दल ओडिशा सरकार के वर्कअप निर्देशक और वर्कअप बोर्ड सीईओ सहित सौजन्यमूलक साक्षात करते ये सदस्यों मध्य वासीम राहत अली मनवारी बेगम नसा तथा ओडिशा वर्कअप सीईओ सैयद अहमद अगदास सहित वर्कअप बोर्ड समस्त कर्मचारी उपस्थित रही थे। शेष दिन में ओडिशा थिबा विभिन्न मस्जिद मद्रासा तथा दरगार संपादक सभापति तथा परिचालना कमिटी सहित बक्सीबजार स्थित पांथनिवास सम्मेलन कक्ष में आलोचना करते सांबादिक सम्मेलन करते अल्पसंख्यक मंत्री आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के मार्गदर्शन में हम निरंतर प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। अब तक 31 से भी ज़्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का हमने दौरा किया है। हमारा मकसद है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और राज्य वक्फ बोर्ड के समन्वय से हम वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकें और इसमें हमने बहुत बड़ी संख्या में कामयाबी पाई है। आज हमारे पूरे देश में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन पर स्कूल कॉलेज हॉस्टल हॉस्पिटल बन रहे हैं। साउथ के में कई प्रदेशों में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी प्रक्रिया के तहत उड़ीसा में हमारा दौरा हुआ है। हमने यहाँ पे कई वक्फ की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट किया है जहाँ पे हम आने वाले दिनों में वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएंगे। पिछले दिनों भी हम यहाँ पे तकरीबन 2-3 प्रोजेक्ट पे हमने सेंट्रल वक्फ काउंसिल से फंड दिया है जो बनकर कंप्लीट हुए हैं। उसका 13 प्रोजेक्ट सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से यहाँ पे अप्रूव्ड हुए हैं जो कि ख़त्म हुए हैं। उसका जो हमने पेमेंट किया था उसका पेमेंट भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल को आ गया है। अब नए प्रोजेक्ट पर हम ज़रूर काम करेंगे। देखिए वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें तकरीबन 2014 से पहले 35% से ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा था, इंक्रोचमेंट था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट में हमने सेंट्रल वक्फ काउंसिल के माध्यम से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जीआईएस मैपिंग कराया, डिजिटलाइजेशन कराया। आज ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टियों का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। हमारी 6 लाख से ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टियों का डिजिटलाइजेशन हो गया है। उन प्रॉपर्टियों को ना तो कोई कभी खरीद सकता है ना कभी बेच सकता है, क्योंकि आपको पता है वक्फ की प्रॉपर्टी जो होती है ऑलवेज वक्फ होती है, वो ना बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है। इस दिशा में हम बहुत ही युद्ध स्तर पर माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कब्जेदारों से वक्फ की प्रॉपर्टियाँ छुड़ा कर उस पर डेवलपमेंट के काम करेंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्टल बना रहे हैं और इसमें हमने बहुत ज़्यादा कामयाबी भी पाई है।